दोस्तों जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन एंड उम्दा मॉडल बनाया मैंने, जिसका साइज है 18x35। 18x35 में हाउस बना है। आपको पहले इसका पूरा डिजाइन दिखा देता हूँ। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ, सामने की बात करूँ, तो फ्रंट से आपको ये मॉडल ऐसा दिखने वाला है। यहाँ पर मैंने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकेंड, तीन फ्लोर डिजाइन किए हैं और ऊपर एक झोपड़ी एज ए स्टाइल की तरीके से, मतलब डिजाइनिंग का पार्ट है और जिसके लिए मैंने डिस्कस किया है। तो फुल डिटेल बताएंगे। यहाँ पर आपको दो बेडरूम और आपको कार पार्किंग, विद कार पार्किंग डिजाइन किया है। 18x35 का हाउस डिजाइन आपको बहुत ही बेहतरीन प्लान लगेगा। ओपन एरिया, ओपन घर है और आप देखिए साइड से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ओपन दिख रहा होगा और ऊपर मैंने बाउंड्रीज की है और आसपास से आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये मॉडल आपको कैसा दिखने वाला है। ये जो आपको बाहर निकला सन दिख रहा है दीवार, छत, ये आपका सिर्फ डिजाइनिंग का पार्ट है। आप यहाँ पे जो भी समझे वो कर सकते हैं। फ्रंट की बात करूं तो मैं ऐसा दिखेगा और टॉप्स की बात करूं तो आप ऐसा देख सकते हैं। ये आपका झोपड़ी बेहतरीन सा और सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। फुल हाउस प्लान है। आप बने इस वीडियो में। हमारे सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर मैंने 18x35 का ये प्लान डिजाइन किया है। तो कैसा लगेगा मुझे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक अभी से कर दें। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते हैं। आपका जो भी रिक्वायरमेंट होता है उससे रिलेटेड सभी आपको वीडियो मिल जाते हैं। और अगर आपको और डिटेल चाहिए तो हमारा वेबसाइट है smallhouseplan.com। वहां पर जाकर आप बहुत सारे घर के नक्शे परचेज भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको परचेज करने की जरूरत अभी तो नहीं पड़ेगी, जब होगा देखिए। आपको बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पर मिल जाते हैं अलग अलग किस्म के। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप यहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलो हम इसको हमेशा की तरह सबसे पहले इसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं और जैसे आप ट्रांसपेरेंट करते हैं तो इस मॉडल की और भी आप बेहतरीन तरीके से देख पाएंगे। ट्रांसपेरेंसी में मतलब की दीवारें आपकी हाइड हो गई हैं। आप देखिए ट्रांसपेरेंसी में कितना बेहतरीन मॉडल आपको ये दिख रहा है। आप फ्रंट से देख सकते हैं, साइड से भी देख सकते हैं। आप ट्रांसपेरेंसी करने के बाद ये मॉडल देखिए, आप टॉप से भी आप देख सकते हैं। तो पूरा मॉडल ट्रांसपेरेंसी के बाद और खूबसूरत और बेहतरीन दिखेगा। तो चलो हम इस मॉडल को पूरा डिस्कस करते हैं। अगर आप 18x35 का घर बनवाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक उम्दा प्लान मैं लेकर आया हूँ विद कार पार्किंग 18x35 में। तो ये पूरा मॉडल सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, इसका ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिसमें आपको आसानी रहे दिखने में। तो जैसे आप जूम करते हैं तो फ्रंट से आपको देखिए ग्राउंड फ्लोर ये दिखने वाला है और जैसे आप यहाँ पर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको कार पार्किंग के लिए एक बेहतरीन सा स्पेस मिलेगा। इसका साइज भी अगर आपको जानना है तो हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। वहां पर मैंने इसका 2D डायग्राम, 3D डायग्राम सब भी डिस्कस किए हैं। मैं आपको शायद भी अभी बता दूंगा और सिर्फ आप बने रहें इस वीडियो में। आप जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको कार पार्किंग के लिए जगह और मेन आपको एक बेडरूम मिल जाता है बाहर, जिसमें मैंने विंडो बाहर से दिया है और गेट इधर से दिया है, एक विंडो भी दिया है। बेहतरीन सा आपका बेड एंड सोफा डाल सकते हैं, गेस्ट रूम इसको बना सकते हैं। और जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपको एक मेन डोर ये मिलेगा अंदर जाने के लिए और विंडो भी मिलेगा। अंदर आप जैसे जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिल जाता है ये स्टेयर्स की लेटरिन एंड बाथरूम कम्बाइंड है और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ स्पेस दिख रहा है। ये दीवार थोड़ी ऊंची है, यहाँ पर मैंने एक व्हाइट कलर का, ये आपका एक जो आपके घर में वेस्टेज होते हैं जिसको कबाड़ बोल सकते हैं, तो बचता है जो एक डुअल छत बनती है ना, डुअल छत, उसके लिए उन्होंने बनाया। आप यहाँ पर दीवार बना के डुअल छत एक वेस्ट सामान यहाँ पर भर सकते हैं। इसको मैंने डिजाइन कराया है और आपको मैंने दिखिएगा, आप जैसे यहाँ पर आते हैं तो फिर आपको एक पीछे बेडरूम मिलता है और ये उसका डोर है और साइड में आपको किचन मिल जाता है, लंबा लंबा किचन, उसके लिए मैंने डोर दिया। ऊपर आपके लिए खिड़की दिया है क्योंकि यहाँ पर भी मैं 230 इसको बोलते हैं दोस्तों, जो डुअल छत होता है, रूफ होता है, 230 इसको पार दू। यहाँ भी आपको स्पेस, एक वेस्टेज अर्जे, जैसे घर में बहुत सारा वेस्टेज हो जाता है वो एडजस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये मैंने दो तरफ वेस्टेज एडजस्ट करने के लिए ऊपर दिया है छत पर और ये आपके ये पहला बेडरूम है। दूसरा और स्टेयर्स, लेटरिन, बाथरूम और विद कार पार्किंग आपको 18x35 में बेहतरीन सा प्लान मिलता है। ये तो हो गया इसका ग्राउंड फ्लोर। अब हम ले चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। इसका डायमेंशन मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। फर्स्ट फ्लोर पर बिल्कुल सेम टू सेम मॉडल बनाया है मैंने। अगर आप चाहते हैं यहाँ लेटरिन या बाथरूम ना बनाएं तो आप हटा सकते हैं और इस जैसे आपका अगर ये किचन हट जाएगा तो आपका ये रूम पीछे वाला बड़ा हो जाएगा और यहाँ भी स्पेस हो जाएगा। और फिलहाल ये मैंने ओपन रखा है क्योंकि आपको बेहतरीन लुक देना था। और ये देखिए यहाँ पर 2.5 फीट का अप्रॉक्स छज्जा जिसको बोलते हैं वो भी आपको मैंने दिया रेलिंग लगाकर और ये सेम टू सेम बेडरूम है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट फ्लोर और अब हम इसका डिस्कस करते हैं लास्ट फ्लोर जिसको बोलेंगे। तो लास्ट फ्लोर पे कुछ नहीं, सिर्फ 3.5 फीट की बाउंड्री चारों तरफ है और जो आपकी स्टेयर्स आई है उसको मैंने ढक दिया है
फिलहाल और ये आपका झोपड़ी बना दी है। तो ये पूरा मॉडल था जो मैंने आपको डिस्कस किया, जिसका साइज मैंने बता दिया आपको 18x35 विद कार पार्किंग आपको मैंने डिस्कस किया हमारे एक सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर। तो ये मॉडल आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी इस वीडियो को शेयर करें, हमारा पेज है आप उसको फॉलो जरूर कर लें। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।